everybody, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. What can I say? Just look the view behind. ये तो कुछ भी नहीं, आगे और एक व्यू पॉइंट आने वाला है, बहुत ही अच्छा सीन आने वाला है. This is gonna be just an amazing vlog. Looks fine, 24 degree. The climate is extremely pleasant. So फिलहाल हम माचकुंड नाम का एक जगह पे जा रहे हैं. मेरा ये दूसरी बार होगा क्योंकि जब मैं बचपन में था तभी वहाँ पे रहता था, उसके बाद बहुत सालों बाद पहली बार जा रहा हूँ. It's a very amazing place. बहुत सारे tourist destination हैं, वो तो आपको खैर पता ही चल जाएंगे आगे. तो फिलहाल देखते रहिए. कोरापुट से 8:30 बजे सुबह निकले थे, तो अभी टाइम हो रहा है करीब 10 बजे. तो अभी जो माचकुंड जगह है उसका आउटस्कर्ट्स मतलब उसके बॉर्डर पर पहुंच गए हैं. अभी जस्ट अपने गेट पास किया. अभी आगे सीधा तो डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट जाने का प्लानिंग नहीं है. बहुत ही अच्छा जगह है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है आपके साथ, तो अभी शेयर करने ही वाला हूँ. फिलहाल बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो लग रहा होगा कि एक नदी सूख गया है. एक्चुअली ये नदी को जानबूझ के सुखाया गया है. सुखाया तो नहीं गया, डाइवर्जन किया गया, बताता हूँ क्यों. बैकग्राउंड में आप जो बहुत ही बड़ा और सुंदर रिवर देख रहे हैं उसको कहा जाता है माचकुंड रिवर. तो ये जो माचकुंड रिवर था वो पहले अभी आपने पिछले सीन में देखा, उस जगह पे जाके डुडमा वाटरफॉल्स पे गिरता था, लेकिन क्योंकि पावर हाउस बनाने की डिमांड थी इसलिए उसको क्या किया गया, तो एक डाइवर्जेंट डैम बनाया गया ताकि वो वाटर को डाइवर्स किया जाए वो, और जहां पावर हाउस बना है उसी जगह पे ये गिर जाए. जो पावर हाउस का स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल ये देखिए जो बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पे वाटरफॉल गिर रहा है वो है आंध्रा का पार्ट, और मैं जिस पहाड़ पे खड़ा हूँ वो है उड़ीसा. पूरा एकदम बॉर्डर एरिया में खड़े हैं अपन. मेन टूरिस्ट स्पॉट है डुडुमा वाटरफॉल, वो थोड़ा आगे जाने पर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से बहुत अच्छे से दिखेगा. ये वाला एक आंध्रा का एक वाटरफॉल है. चलिए, सो द मेन रीजन व्हाई वी आर हियर फॉर द डुडुमा वाटरफॉल्स, मैं तो अभी आज तक गया नहीं, बहुत बार सुना है, बस वही आपको दिखाऊंगा. फाइनली वी हैव रीच द व्यू पॉइंट. तो आप देख सकते हैं पीछे जो बहुत ही व्यू है, मेरे पास वर्ड नहीं है, इतना अच्छा व्यू शायद ही कहीं पे देखने को मिले. बेसिकली इसका लेआउट क्या है मैं आपको बताता हूँ. ये टाउन का नाम है ओनकाडेली, अपने कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ही है, आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में आता है. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली पावर हाउस है, बहुत ही ज़्यादा पुराना पावर हाउस है, अभी तक इफेक्टिव है. तो वहाँ से वो देखिए वो है डुडुमा वाटरफॉल्स, जो कि एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और वहाँ से अभी नदी यहाँ पे जा रही है. तो उससे पिछले में आपको जो वाटरफॉल्स का मतलब जो रिवर का व्यू दिखाया था उसी रिवर का यूज़ करके ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चल रहा है. माउंटेन है, फॉरेस्ट से कवर है ये, इसको डांसिंग फॉरेस्ट भी बोलते हैं. इतना अच्छे से आपको नहीं दिख पा रहा होगा, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, बट आई एम रियली एन्जॉइंग. सोचिए 2-3 महीने लॉकडाउन में रहने के बाद आपको यहाँ पर आने का मौका मिले, क्या मज़ा है. After a very long wait, तो
जहाँ पे आना था वहाँ पे आके देखिए बैकग्राउंड में ये जो देख रहे हैं ये मेरे पापा भी मुझे बता रहे थे कि मतलब वो भी जब बचपन में थे तो बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे। तो एक बोंडा ट्राइब बहुत ही फेमस ट्राइब है, उनका जो दिनचर्या उनका कल्चर जानने के लिए टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने एक व्हाट्सअप स्टेटस दिया था, पता नहीं कितने लोगों ने रिप्लाई किया भैया जाओ एक बार वहाँ पे देखिए कितनी फैबुलस ब्यूटीफुल, क्या बोलूँ मेरे पास वर्ड ही नहीं है। एक दिन यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जरूर आना चाहूँगा। तो जो पावर हाउस को मैं गया था वो है ये वाला जो पावर हाउस है, मार्क कर दूंगा। फिर वहाँ से अपन जो विंच कार्ट में ऊपर गए वो यहाँ से ऊपर जाके ये रहा, ये एरिया में मैं मार्क कर दूंगा। तो उस एरिया में करीब ये जो डिस्टेंस होगा करीब 900 मीटर्स होगा, और वो जो सामने आप दूर में देख रहे हैं वो है डुडुमा वाटरफॉल्स, और आसपास में आपको अच्छा व्यू भी दिखाया मैंने। सो इट्स 5 o'clock इन द आफ्टरनून। तो आप लोगों ने आज देखा कोलाब डैम और उसके बाद डाइवर्जन ब्रिज और जो मेन डुडुमा वाटरफॉल्स और पावर हाउस का भी थोड़ा व्यू देने की कोशिश की मैंने। अभी पावर हाउस का क्या है कि अंदर शूटिंग करने की परमिशन नहीं है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो फिलहाल मैं थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा यहाँ पर रुक नहीं सकता मैं। सो इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और देखिए अभी क्या मेस्मराइजिंग व्यू में अभी ब्लॉग एंड करने का मौका मिल रहा है। चलिए मिलते हैं फिर इसे किसी ब्लॉग में। ये वाला है द फेमस कोलाब डैम, जाते वक्त शॉट नहीं ले पाए थे इसलिए आते वक्त ले लिया। ये बस एक ग्लिम्स है, दोबारा कभी अच्छे से इस जगह पे आके आपको दिखाऊंगा।